चलो नीचे। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहाँ है? चार चरण तो हो चुका, राहुल गांधी अभी तक नहीं आए प्रचार में, कैसे लड़ाई? आपकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त करिए। सबसे पहले तो पूरे देश में 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे 5 प्रदेशों में जाने का अवसर मिला और एक चीज़ निश्चित है कि देश के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। 8 साल पहले जो दिल्ली में भाजपा सरकार और 5 साल पहले लखनऊ के सिंहासन पर जो बैठी थी, उस सरकार के सिंहासन अहंकार का सिंहासन इतना ऊंचा हो गया कि देश की आम जनता इस सरकार को दिखनी बंद हो गई। महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त जनता को कुचलने का, कहीं उनके मान सम्मान को कुचलने का और कहीं तो लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का काम इस सरकार ने किया है। जनता अब इस सरकार वोट की चोट से इस सरकार के को जनादेश कुचल के काम का काम करेगी। 5 में से 4 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, पंजाब में चरणजीत सिंह जी चन्नी के नेतृत्व में, तो उत्तराखंड में हरीश रावत जी के नेतृत्व में, गोवा, मणिपुर, 4 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ और उत्तर प्रदेश में भी निर्णायक भूमिका के साथ बदलाव में कांग्रेस पार्टी देश में आगे बढ़ेगी। पंजाब में बहुत बवाल मचा हुआ है सिद्धू को लेकर, जिस तरीके से बात आ रही है कि चुनाव होने के बाद सिद्धू के खिलाफ खेमेबंदी की जा रही है कांग्रेस नेताओं की तरफ। कोई खेमेबंदी नहीं है, पंजाब में एकजुटता से हमने चुनाव लड़ा। मैं मुख्य पर्यवेक्षक था पंजाब चुनाव का, पंजाब में हमने एकजुटता से चुनाव लड़ा है और कांग्रेस पार्टी हमारी टीम रिपीट करेगी, बहुमत से सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में भी मैं पहले दूसरे चरण का मैंने चुनाव देखा और अब यहाँ पे वाराणसी में जिम्मेदारी लगी है। उत्तर प्रदेश में बदलाव निश्चित है पहले दूसरे चरणों में, क्योंकि पिछली बार भी मैं पहले चरण का इंचार्ज था चुनाव का, इस बार भी मैंने पहले दूसरे चुनाव कांग्रेस पार्टी का चुनाव देखा है। जो पहला चरण जो 58 में से 56 सीट बीजेपी की आई थी, वहाँ दो डिजिट का आंकड़ा बीजेपी चुनने मुश्किल बीजेपी को हो रही है। तो बदलाव, और इस बदलाव में अगर योगदान सबसे बड़ा किसी का है तो प्रियंका जी के संघर्ष का है। बदलाव का जो वातावरण उत्तर प्रदेश में बना, प्रियंका जी ने हर वर्ग के लिए, जबकि हमारे पास संख्या बल नहीं था, विपक्ष का मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है लखनऊ विधानसभा में और सत्ता दल भाजपा, हमारे साथ ही विधायक थे, लेकिन नैतिक बल अगर विपक्ष का किसी ने जुटाया अपने संघर्ष के साथ तो वो प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जुटाया। चाहे लखीमपुर में किसान का नरसंहार मामला हो, सबसे पहले कोई पहुंचा प्रियंका जी पहुंची प्रकरण हो, चाहे CNRC में जो जातियाँ हुई लखनऊ से लेकर बिजनौर तक की बात हो, उन्नाव की बात हो, हर जगह प्रियंका जी पहुंची और लोगों का दुख बांटने का काम किया। जिस वर्ग के हकों को छीना गया, उन वर्ग के हकों को छीनने का की आवाज़ उठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका जी के नेतृत्व में किया, इसीलिए हमने दिल जीते, प्रियंका जी ने दिल जीते उत्तर प्रदेश की जनता के, और हमें विश्वास है हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बनारस की जहाँ तक बात है, वाराणसी की लगभग सारी सीटों पे हमारा सीधा मुकाबला भाजपा के साथ है और कोई मुकाबले में नहीं है। इतिहास बनारस का यही दर्शाता है भाजपा में कौन कहाँ की टिकट करा रहा है। आप कह रहे हैं कि हम निर्णायक भूमिका में यूपी में होने जा रहे हैं, जरूरत पड़ती है तो क्या सपा के साथ निर्णायक भूमिका में कांग्रेस खड़ी होगी सरकार बनाने के लिए? देखिए, मैंने जैसे कहा कि बदलाव निश्चित है उत्तर प्रदेश में, लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। जन विरोधी भाजपा सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त है उत्तर प्रदेश की। आज हर वर्ग पर अत्याचार हुआ है, केवल किसान को कुचला गया ऐसा नहीं, नौजवान पर प्रहार हुआ है, बेरोजगारी का प्रहार और उसके ऊपर सरकारी तंत्र हमलावर हो गया। आज गरीब आदमी दलित पे आगरा से लेकर हाथरस तक इतिहास गवाह है। आज हर वर्ग पर इस सरकार ने अत्याचार किया है। जनता के साथ हैं आप? हम भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि सरकार जा रही है और निर्णायक भूमिका में अगली सरकार बनाने में कांग्रेस पार्टी आ रही है। बात आखिरी सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि कांग्रेस तो जमानत जब्त कराने के लिए पूरे प्रदेशों में चुनाव लड़ रही है, ना आपके पास नेता है और ना। देखिए, मैंने कहा कि मैं पंजाब में तो मैं मुख्य पर्यवेक्षक था कांग्रेस पार्टी का, आपको निश्चित तौर से बता रहा हूँ हम सरकार बना रहे हैं चन्नी जी के नेतृत्व में। उत्तराखंड में मैंने 4 दिन प्रचार किया, उत्तराखंड में हरीश रावत जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, गोवा के अंदर, मणिपुर के अंदर सरकार बन रही है और उत्तर प्रदेश में हमने जो आज बदलाव का वातावरण मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित तौर से योगी जी पता नहीं कहाँ की टिकट कटवा रहे हैं, किसकी टिकट कटवा रहे हैं, वो अपना भी ख्याल करें। मेरे साथ साथी सांसद रहे लंबे समय तक लोकसभा में, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी सरकार का भी जाना तय है, सरकार के बाद वो कहां जाते हैं, उनके मंत्री कहां जाते हैं, उस बात पर ज़्यादा विचार करें।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।